जनपद में साउथ क्षेत्र के 5 थानों में 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ ने बताया कि साउथ क्षेत्र के 5 थाने खजनी, गगहा, सिकरीगंज, बढ़लगंज सहित उरवा बाजार के थानों में कुल 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनकी पहचान सुरेश यादव पुत्र रामकरण यादव निवासी डड़वा मनोहर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा राजेश गुप्ता पुत्र राम अवतार गुप्ता निवासी जहूराबाद थाना बासगांव गोरखपुर, तीसरा अनूप कुमार श्रीवास्तव निवासी कटवर थाना बासगांव जनपद गोरखपुर, चौथा अनुराग यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी जलपहिया मुहराई थाना गगहा जनपद गोरखपुर, पांचवा मंगेश गोस्वामी पुत्र प्रभात गोस्वामी निवासी बेलदार थाना गगहा जनपद गोरखपुर, छठवा ब्रजेश गोस्वामी पुत्र वीरेंद्र गोस्वामी निवासी बेलदार थाना गगहा जनपद गोरखपुर, सातवां अमन गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी कहला थाना गगहा जनपद गोरखपुर, आठवां सूरज यादव पुत्र राजेश यादव निवासी शिवपुर हाटा थाना गगहा जनपद गोरखपुर, नवा प्रमोद गिरी पुत्र जय नारायण गिरी निवासी भदार खास महादेव बाजार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, दसवां नन्हे लाल यादव पुत्र रामफेर यादव निवासी ग्राम रजवल यादव टोला थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, ग्यारहवां जितेंद्र शुक्ला पुत्र स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ला निवासी दक्षिणी बहरामपुर धैर्य टीवीएस एजेंसी के पीछे नौसड़ पुलिस चौकी थाना गीडा जनपद गोरखपुर, मूल पता ग्राम करौंदी थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, बारहवां कैलाश यादव पुत्र राम मिलन यादव निवासी दुधारा चौराहा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, तेरहवां अंकित निषाद पुत्र हनुमान निषाद निवासी शुंभुरपुर थाना अहिरौली जनपद आजमगढ़, चौदहवां राम विनय निषाद पुत्र राम बहोरा निषाद उर्फ भोरिक निषाद निवासी हेतुगंज अलुआ थाना अहिरौली जनपद आजमगढ़, पंद्रहवां अनीस उर्फ उनीस पुत्र स्वर्गीय अवधराज निषाद निवासी ग्यासपुर थाना कंधारपुर जनपद आजमगढ़, सोलहवां दिलीप निषाद पुत्र झीनक निषाद निवासी ग्यासपुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़, सत्रहवां शिवकुमारी पत्नी शिवाकांत यादव निवासी रसूलपुर माफी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, अठारहवां मुकेश यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी रसूलपुर माफी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, उन्नीसवां विकास यादव पुत्र जगत नारायण यादव निवासी शिवपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर, बीसवां अभिषेक यादव पुत्र अशोक यादव निवासी गोपालपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी साउथ ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के ऊपर 5 थानों में चोरी लूट डकैती ठगी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, नए वर्ष में अपराध और अपराधियों पर और पुख्ता तरीके से नकेल कसने के संकल्प के साथ गोरखपुर ग्रामीण दक्षिणी क्षेत्र के 5 थानों ने आज संगठित गिरोह के रूप में अपराध करने वाले 5 गिरोहों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है। थाना खजनी, गगहा, सिकरीगंज, बढ़लगंज और उरवा बाजार ने अपने यहाँ एक एक गैंगस्टर एक्ट के अभियोग पंजीकृत किए हैं। थाना खजनी ने मोटरसाइकिल की चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों के खिलाफ, थाना गगहा ने लूट और डकैती करने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ, थाना सिकरीगंज ने लोगों को नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों के खिलाफ, और बढ़लगंज पुलिस ने जहर खुरानी करके लोगों को लूट लेने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों के खिलाफ, तथा उरवा बाजार ने लूट करने वाले एक गैंग के 4 सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में अपने अपने थानों पर अभियोग पंजीकृत किया है। इस तरह से साल के पहले दिन गैंगस्टर एक्ट के 5 अभियोग पंजीकृत करके 20 संगठित गिरोह के अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने की कार्यवाही शुरू हुई है, और इनके खिलाफ अपराध से अर्जित संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके कार्यवाही की जाएगी।